दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पार्ट टू का रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट एक्टिव लिंक बताने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, बट आप कैसे चेक करेंगे भाई, देखते हैं। आपको लग रहा होगा ये फेक वीडियो होने वाला है, तो बिल्कुल आपका सोच भी बिल्कुल सही है, और अभी तक आप जो सोच रहे हैं वो सोच भी बिल्कुल सही और सटीक है। लेकिन हम आपको अभी आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं, क्योंकि पार्ट टू का रिजल्ट जारी लिंक कर दिया गया है। चेक करने का लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। हम बताएंगे फाइनल रूप से डेट कब तक पार्ट टू का रिजल्ट आपका आ जाएगा। साथ ही साथ पार्ट थ्री में नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लगभग खत्म होने पर है। तो अभी तक अगर आपके कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, तो इसके लेकर के भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट ध्यान से जरूर देखिएगा। यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, हम जिसको ओपन किए हुए हैं। इसी में हम लोग चले जाएंगे, नीचे आएंगे, ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। हम नीचे आ जाएंगे। जितने भी छात्र पार्ट वन के, पार्ट टू, पार्ट थ्री किसी भी सत्र के हैं और रिजल्ट सुधार के लिए आवेदन दिए थे, तो उनका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आप लोग पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। ये 27 अगस्त को दिया गया है, 24 अगस्त को दिया गया है, 23 को दिया गया है, 20 को दिया गया है। तो हर दिन लगभग 10-15-20 रिजल्ट चेक करके दिया जा रहा है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अब जैसे हम नीचे आएंगे, अगर आप पार्ट वन का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, व्यू रिजल्ट पार्ट वन, तो यहाँ पर क्लिक करके आप पार्ट वन का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 21 से 24 सत्र के पार्ट टू, पार्ट थ्री दोनों का रिजल्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नीचे आ जाना है आपको, हम बताएंगे 22 से 25 पार्ट टू रिजल्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यू रिजल्ट पार्ट टू। इसी लिंक पर आपको क्या कर देना है, एक छोटा सा क्लिक कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे भाई सही में यहाँ तो कमाल का बात हो गया, डिग्री पार्ट टू रिजल्ट चेक करने का लिंक तो दे दिया गया है, अब क्या आप चेक कर पाएंगे रिजल्ट या नहीं कर पाएंगे? तो इसका जवाब हो जाता है सरासरी, आप रिजल्ट यहाँ पर चेक नहीं कर पाएंगे। अब इसका कारण भी आपको समझ लेना है। इसका कारण यह हुआ दोस्तों कि अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजल्ट अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन लिंक एक्टिव कर दिया गया है। हालांकि यह यूनिवर्सिटी का इशू है, उनका प्रॉब्लम है, लिंक को नहीं देना चाहिए था। अगर दिया गया है तो यहाँ पर लिख दिए होते 22 से 25 का है नोट डिक्लेयर रिजल्ट, ऐसा लिखा हुआ होता तो सही रहता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो क्या प्रूफ हो जाएगा, हम वो आपको बताते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसी प्रकार जब रिजल्ट जारी होगा तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ जाएगा, न्यू करके ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिजल्ट जारी होते ही सबसे पहले आपको जानकारी हम देने वाले हैं और सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं, कोई भी रिजल्ट यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अनुसार नियम है कि 60 दिन के भीतर रिजल्ट जारी होता है। 13 से 14 सितंबर को आपको 60 दिन पूर्ण रहा है पार्ट टू का, तो मतलब कि आपका थर्ड सप्ताह तक पार्ट टू का रिजल्ट जारी होना अति आवश्यक है, हर संभव जारी किया जाना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका फाइनल डेट क्या रहने वाला है। बात करते हैं पार्ट थ्री एडमिशन के लेकर के, तो एडमिशन के लेकर के कई सूचना दिया गया है, जिस सूचना में सबसे महत्वपूर्ण जो आपको हम बताने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे नीचे आ जाएंगे तो सभी कॉलेज का अलग अलग दिया गया है। और वीडियो हम लगातार दे रहे हैं, आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर देखिए कितना पैसा लग रहा है, जबकि पैसा रियल में आपको लगना चाहिए था कितना, 650 के आसपास लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पैसा कितना लग रहा है, 1700, 1800, 2900, कई रुपया लिया जा रहा है। तो ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से हैं। सभी कॉलेज का अलग अलग लिस्ट जारी हुआ है। अगर आप जीडी कॉलेज से हैं या किसी भी कॉलेज से, जैसे हमें कमेंट मिला था जीडी कॉलेज के बारे में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग अपने कॉलेज जाकर इस चीज़ को पता कर सकते हैं। और आप लोग को महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं, अगर आपके कॉलेज में लिस्ट नहीं निकला है, एडमिशन का लिस्ट नहीं निकला है और आपका नामांकन नहीं हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए थे पहले, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज पर जाकर के नामांकन ले लेना है। विदाउट नोटिस के आप जाएंगे कॉलेज पर, आपका नामांकन हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रखना है, पार्ट वन पार्ट टू को आपको एडमिट कार्ड ले लेना है, पार्ट वन का मार्कशीट आपको रखना है, ईमेल आईडी पासवर्ड तो आपको कहीं पर लिख ही लेना है, आधार कार्ड, हालांकि कोर्ट अभी कह दिया है कि ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन आपको रखना है साथ में। इसी चीज़ के साथ आप जाएंगे, हो जाएगा आपका नामांकन। पार्ट टू एडमिशन रसीद आपके पास होना जरूरी है, पार्ट टू एडमिट कार्ड होना जरूरी है, पार्ट वन का एडमिट कार्ड होना जरूरी है, पार्ट वन का मार्कशीट, ये सब चीज़ आपके पास होना जरूरी है। जाएंगे कॉलेज, आपको 600-700 रुपया लेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आप किस कॉलेज से हैं, आप अपना कॉलेज नाम कर नाम लिख करके हमें सेंड कर दीजिए, यानी कमेंट कर दीजिए, फिर हम आपके कॉलेज के बारे में जो भी अपडेट आएगी हम तुरंत आपको बताएंगे, जिस प्रकार से हम सभी कॉलेज को बता रहे हैं। बाकी पार्ट टू का रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी होने की पूर्ण संभावना है, और जैसे ही आगे कोई अपडेट आती है हम आपको तुरंत बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।